Welcome to my YouTube channel. In this video, we are doing a question number 2, exercise 14.3. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below. ठीक है, क्या है कि Indian society में different sections में per 1000 boys के ऊपर कितनी girls हैं, number of girls, इसका data given है. Like यहाँ सेक्शन है, ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, तो शेड्यूल कास्ट एससी में कितनी है, 1000 के ऊपर 940, एसटी में 9000 के ऊपर 970, नॉन एससी एसटी में 1000 बॉयज़ के ऊपर 920 गर्ल्स, इस तरीके से ये पूरा डेटा गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाई ए बार ग्राफ. ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम डिस्कस वॉट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ्स. यानी कि सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको बताना है कि इससे क्या कॉन्क्लूजन निकला. चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ लिया, ग्राफ में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज अपने वाई एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पर आपको सेक्शन लेने हैं. ठीक है, रूल वही रहेगा बार ग्राफ का जो पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था. एक ब्लॉक लेना है, इसको छोड़ के दूसरे ब्लॉक में आपको डार्क कर दो. पहले ही थोड़ा सा डार्क करने से क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती है. ठीक है, हमारे पास हैं 7 अर्बन तक, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6 एंड देन ये 7, ये 7 तक जाएगा. अब नंबरिंग देखो, नंबरिंग है हमारे पास 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910. अब ये जो नंबरिंग है तो आपको ग्राफ भी उसी तरीके से देना है, ज़ीरो से स्टार्ट करने की जगह आप 900 से स्टार्ट करो, 900, 910, 920, 930 और 970 तक. ठीक है, अब फर्स्ट है एससी का 940, तो इस लाइन में जाना है 940, ये आ गया, यहाँ पर मार्क लगाइए 940. ठीक है, ये लाइन आई आपकी 940 वाली. ठीक, और इस लाइन पर आप लगाइए ये 940 का, ये ग्राफ बना 940. ठीक, अब यहाँ पर इसके अंदर लिख दीजिए एससी शेड्यूल कास्ट, मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आप मत लिखना. सेकंड है एसटी, एसटी है 970, तो 970 कौन सी लाइन, ये एक पूरा ब्लॉक छोड़ दीजिए और दूसरे ब्लॉक पर आइए 970. अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो डार्क लाइन है ना, इस डार्क लाइन पर ही आप लाइन बनाएं, उससे क्या होगा, मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, चांसेस कम हो जाएंगे. डार्क लाइन का ही यूज़ करना लाइनिंग बनाने के लिए. ये है 970, ये बन गया 970 की लाइन. ठीक है, ये हुआ एसटी. थर्ड वन है आपका 920, तो 920 कहाँ पर है, ये 920, तो यहाँ पर ये मार्क लगाया और उसके बाद इसकी लाइन बना दी 920, ये बन गई 920 की लाइन, नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एंड एसटी. नेक्स्ट है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें है 950, तो 950 आपका जाएगा इस लाइन पर, बढ़िए 950 कहाँ, यहाँ पर, तो पॉइंट लगा दीजिए पहले ताकि आगे आपसे मिस्टेक ना हो. ये हुआ 950 एंड बैकवर्ड. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट है नॉन बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड में जा रहा है 920, तो ये 920 यहीं पर जाएगा, ये 920, ये 920 और ये बना इसका बार ग्राफ. ठीक है, ये नॉन बैकवर्ड. नेक्स्ट है रूरल, रूरल में जा रहा है 930, यानी कि इस वाली लाइन में बढ़ना है, एक छोड़ के एक ब्लॉक, ये आया 930 का, इसे भी आपने मिला दिया, ये हो गया रूरल. नेक्स्ट आया अर्बन, अर्बन का है 910, यानी कि एक ब्लॉक, यानी
ये आया 9, 10 यहाँ पर, ये आया अर्बन का, ठीक है, ये अर्बन का है, ये हो गया बार ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय ये बार ग्राफ, तो ये बार ग्राफ बन गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, अब देखो ये ग्राफ है हमारे पास, कंक्लूजन क्या निकला, पहला मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर एसटी। देखो बार ग्राफ में सबसे बड़ा ग्राफ इसी का जा रहा है ऊपर 970 तक, तो पर 1000 बॉयज गर्ल्स किस में ज़्यादा हैं, एसटी में। सेकेंड कंक्लूजन हम दे सकते हैं, जैसे हमने मैक्सिमम का दिया ऐसे हम मिनिमम का दे सकते हैं, मिनिमम जा रहा है अर्बन एरियाज़, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में 9, 10 सबसे मिनिमम इसका है, तो हम ये रीज़न दे सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ फॉर अर्बन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।